गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एमएम पब्लिक स्कूल। क्लास सेकंड, आज आपका सब्जेक्ट है ईवीएस। ये आपकी बुक है अवर एनवायरनमेंट। हम लोग आज इसके चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, आज इसके चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, नाउ ओपन योर ईवीएस बुक, ओपन पेज नंबर 5। आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है मोर अबाउट माई सेल्फ, मतलब मेरे बारे में। और तो इस चैप्टर में नंबर फर्स्ट पर दिया हुआ पेस्ट योर पिक्चर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, तो इसमें आपको अपनी फोटोज पेस्ट करनी है। दिस इज मी एज अ बेबी, जब आप छोटे थे, आप मतलब न्यू बॉर्न बेबी थे, तो उस टाइम की आपको यहाँ पर फोटो पेस्ट करनी है। और दिस इज हाउ आई लुक नाउ, आप इस टाइम किस तरीके से दिखते हैं, आपको उस फोटो को पेस्ट करना है। जिस फोटो को आप पेस्ट करेंगे, ध्यान रहे कि वो फोटो ज्यादा पुरानी ना हो और आपकी रिसेंटली करंटली फोटो हो। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में बताया गया है कि फेवरेट्स एंड हॉबीज। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी फेवरेट चीजों के बारे में बताना है, जैसे कि फ्रूट। यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आपको कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद है। टीचर, आपकी फेवरेट टीचर का नाम, कलर, फेवरेट कलर, सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट। तो बच्चों, इसी तरीके से आपको जो आपके फेवरेट्स हैं उन सब चीजों को यहाँ पर फिल करना है। ये आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं। आगे है हॉबीज आर एक्टिविटीज वी डू इन अवर फ्री टाइम फॉर प्लेजर। हॉबीज आदतें वो होती हैं जो हम अपने फ्री टाइम में एक्टिविटीज के थ्रू करते हैं। तो व्हाट इज योर हॉबी, आपकी पसंदीदा हॉबी, आपको जो पसंद है, जो काम करना पसंद है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे चलते हैं। ग्रोथ, द चेंजेस इन अवर शेप एंड साइज इज ड्यू टू ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जो हमारे शरीर के साथ, हमारे शरीर के साइज के साथ टाइम के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं, उसको ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग देते हैं कि किसी प्लांट को, सबसे पहले वो बीज होता है, फिर उसके अंदर से सीडलिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद जाकर के वो प्लांट बनता है। इस प्लांट की ग्रोथ कहेंगे। इसी तरीके से जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, फिर वो टाइम के साथ ग्रोथ करता है तो वो चाइल्ड हो जाता है, फिर उसके बाद ग्रोथ करता है तो वो यंग बॉय हो जाता है, फिर उसके बाद ग्रोथ करता है तो ओल्ड मैन हो जाता है। उसी तरीके से प्लांट्स में और ह्यूमन बॉडी में जिस तरीके से ग्रोथ होती है, उसी तरीके से एनिमल्स में भी ग्रोथ होती है। जब बिल्ली का छोटा बच्चा होता है तो वो किटन होता है, और टाइम के साथ जब वो ग्रोथ करता है तो वो कैट बन जाता है। पपी, जब कुत्ते का छोटा बच्चा होता है, तो पपी जब ग्रोथ करता है तो वो बड़ा होकर के डॉग बन जाता है। वी आर बोर्न विदाउट टीथ, हम लोग बिना दांत के पैदा होते हैं। स्लोली अवर मिल्क टीथ अपियर, धीरे धीरे हमारे दूध के दांत दिखने स्टार्ट होते हैं। वेन दे फॉल वी हैव अवर परमानेंट टीथ, जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जो दूध के दांत होते हैं उनकी वो 20 होते हैं, और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 टीथ होते हैं। वेन वी ग्रो अवर ड्रेसेस डू नॉट फिट अस, जब हम लोग ग्रो करते हैं, हम लोग बड़े होते हैं, तो हमारी पुरानी ड्रेसेस हमको फिट नहीं आती है। वी ऑल्सो नीड बिगर शूज आफ्टर वी ग्रो, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों को बड़े शूज, मतलब आपको जूते की भी जरूरत पड़ती है। अवर लुक्स चेंज विद एज, हमारा लुक एज के साथ साथ चेंज होता रहता है। देयर इज ए चेंज इन अवर इंटरेस्ट टू, हमारी उम्र के साथ जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, जिन कामों में हमको इंटरेस्ट होता है, उनमें भी चेंजेस होते रहते हैं। तो क्लास आगे, अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो बच्चों, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में आपको ये दिया गया है, यू लुक लाइक दिस नाउ, आप किस तरीके से दिखते हैं। आप बॉय हैं तो आपको बॉय टिक करना है, गर्ल हैं तो आपको गर्ल पे टिक करना है, चाइल्ड बेबी हैं तो आपको इस पे टिक करना है। इसी तरीके से आपको आपकी एक्सरसाइज करनी है। आपकी एक्सरसाइज की फोटोज हम लोग आपको शेयर कर देंगे। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो टिक मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि माय वेट इज - केजी, आपका वेट कितना है, तो केजी में आपको अपना वेट मेंशन करना है। माय हाइट इज - सेंटीमीटर, आपको अपनी सेंटीमीटर में हाइट मेंशन करनी है। माय ब्लड ग्रुप इज - आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर मेंशन करना है, आपको बताना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इसी तरीके से आपको अपनी पूरी एक्सरसाइज को फिल करके हमारे पास फोटो सेंड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।